ये निकाल रही हूँ 70 मैं हूँ। मॉर्निंग और आज है सैटरडे और अभी बारिश थोड़ी सी बंद हुई है, रात भर से बहुत बारिश हुई है और इनफैक्ट अभी भी रुक रुक के बहुत तेज तेज बारिश हो रही है, तो वेदर बहुत अच्छा हो गया है। मैं आपको बाहर दिखाती हूँ और मेरे प्लांट्स भी दिखाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने प्लांट्स दिखाना बाहर। आई डोंट नो आप देख पाओगे कि नहीं, बाहर बारिश अभी नहीं हो रही है, बंद है। मेरे घर के बाहर भी इनफैक्ट काफ़ी सारी ग्रीनरी दिखती है, मतलब ऐसा सूखा सूखा नहीं दिखता है। उधर आप देख रहे हैं सामने वो भी पूरा ग्रीनरी है उधर पे, और बीच में रोड है, ये जो रोड दिख रही है, और उधर भी ग्रीनरी है और यहाँ पे भी ग्रीनरी है और मेरे घर पे भी ग्रीनरी है। तो ये इंडोर प्लांट्स है बट मैं थोड़े थोड़े टाइम में बाहर रख देती हूँ बिकॉज़ उनको बहुत अच्छे खिल जाते हैं ये। तो ये मैंने नया प्लांट लगाया है, ये वाला जो है ये मैंने नया प्लांट लगाया है एंड इट इज़ ग्रोइंग सो क्यूटली, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है ये, सो आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। एंड ये वाला प्लांट भी ना ऑलमोस्ट डेड होने वाला था बट अब ये काफ़ी अच्छे से इसकी जो न्यू लीव्स हैं वो इसमें आने लगी हैं। एंड दिस रोज़ जो कि काफ़ी दिन से आया हुआ है बट बारिश की वजह से ना पानी भर गया उसके अंदर तो अब वो ख़राब होने लगा है। तो ये रोज़ है एंड यहाँ पर जो प्लांट लगा था वो पूरा बारिश, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा भरता है तो पानी में प्लांट सड़ भी जाते हैं बहुत सारी बार, तो उसको मैंने काट दिया, वो थोड़ा सा ख़राब हुआ था। तो ये हमारा पाम ट्री लगा हुआ है जो कि बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है लेकिन उसको बांधा हुआ है बीच में से क्योंकि वो बहुत फैल गया था। एंड ये वाला भी पाम ट्री है बट ये चाइनीज़ पाम है। और उसके बाद बस यही सब है फ़िलहाल। तो ये जाएगा यहाँ पे। ऐसे तो टी लवर्स नहीं है, हम दोनों चाय नहीं पीते हैं बट आज चाय पीने का मन कर रहा है तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चाय। विक्की को चाय बनाना नहीं आती है तो मैं चाय बना रही हूँ, और फिर ब्रेकफास्ट में पोहा एंड चाय बन रहा है तो पोहा एक्सपर्ट पोहा बनाने वाला है और मैं चाय बनाने वाली हूँ। किसी ने मुझे अभी मैंने कल के दिन है ना भजिया डाला था तो मुझे 5-6 लोगों ने कॉमेंट करके लिखा कि विक्की भैया बनाए होंगे जरूर। भाई सारे विक्की तो ऑफिस में बैठा हुआ था तो इन्होंने खा लिए बिना मेरे खा गई। अच्छा आपको दिए नहीं थे फिर? नहीं, ब्लॉग में है इंक्लूडेड कि मैंने आपको बना करके, और आप खाते हुए भी है बेटा, झूठ देखा ये सफेद झूठ। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज विक्की बनाता है, 70-30 का रेशियो चलता है, 70 मैं हूँ 30 वही ऑफिस, मतलब ऑफिस तो मैं जाती हूँ, ऑफिस ही मैं जाती हूँ, 30% खाना मैं बनाती हूँ, विक्की 70% बनाता है और विक्की घर पे रहता है। हे गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ मेरे घर के पास में ही, मतलब 2-3 किलोमीटर एक पार्लर है तो मैं वहाँ पर जाती हूँ जहाँ पर मैंने अपनी स्मूथनिंग करवाई थी फर्स्ट टाइम मुंबई में। तो मैं वैक्सिंग कराने जा रही हूँ, ब्राजीलियन अंडरआर्म्स वैक्सिंग कराऊंगी मैं, और मैं बहुत कम वैक्सिंग कराने जाती हूँ बट वंस इन अ 6 मंथ आई गो फॉर अंडरआर्म्स वैक्सिंग। तो उससे क्या होता है डेड स्किन जो होती है वो पूरी निकल जाती है इसलिए, एंड अभी मैं वहीं जा रही हूँ और मुझे बालों से रिलेटेड भी 2-3 चीज़ें बात करनी है तो लेट्स सी। और मैंने कल ही वीडियो में आपको बताया था कि ऑयली फूड मैं खा रही हूँ इतना भजिए पकौड़े, तो मुझे ज़रूर डेफिनेटली एक पिम्पल आने वाला है नया, एंड सी दिस इज़ द न्यू पिम्पल जो कि आ रहा है। और कल मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है और ये पिम्पल, बट ठीक है नेवर माइंड। मैंने पहले ही बोला था कि जब भी मैं ऑयली फूड खाती हूँ तुरंत नेक्स्ट डे मेरी स्किन पे पिंपल ज़रूर आता है, इतनी सेंसिटिव एंड रिएक्टिव है मेरी स्किन। तो येस आई एम गोइंग देयर, और वहाँ पर जनरली अभी तो मैं ऑटो से जा रही हूँ बिकॉज बारिश हो रही है बहुत तेज़ी से, और आधे टाइम अगर मुझे ऑटो नहीं मिलेगा देन फिर विक्की लेने के लिए आ जाएगा। सो आई विल मीट यू थोड़ी देर में, टिल देन बाय। विक्की अभी अपना सैटरडे बना रहा है। हे गाइस, आई एम बैक फ्रॉम द पार्लर और राइट नाउ आई एम गोइंग टू डू मेडिक्योर एंड पेडिक्योर। मैं घर पे ही करती हूँ और मैं बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करती हूँ, मैं 6 मंथ्स में एक बार करती हूँ, तो मेरे हाथ और पैर थोड़े से गंदे हो रहे हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट एट होम। मुझे अच्छा लगता है जो प्रोसेस वो पार्लर में करते हैं वही प्रोसेस अगर हम घर पे करें तो इफेक्ट सेम ही आता है, क्योंकि मैं पार्लर में भी करवा के देख चुकी हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। मैंने इसमें लेमन लिया है, मैंने इसमें एक पूरा लेमन लिया है, और उसके बाद मैंने सॉल्ट के 2 टीस्पून डाली है, एंड देन उसके बाद बेकिंग सोडा लिया है। और आप शैम्पू या फेस वॉश या बॉडी क्लेंजर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं,
और उसके बाद यहाँ पर मैं अपने जो पैर हैं वो डिप कर दूंगी, और उसके बाद आपको बस थोड़ी सी ब्रशिंग करनी होती है, दैट्स इट। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा, मुझे मंदिर का, हमारा जो भगवान का सेक्शन है वहाँ के लिए दो तीन चीज़ें लेनी थी, तो उसके लिए मेरे घर के पीछे एक छोटा सा मॉल है, उसका नाम है डी मॉल। दिस इज़ नॉट डी मार्ट, ये डी मार्ट अलग है, डी मॉल अलग है। काफ़ी अफोर्डेबल चीज़ें मिलती हैं, ऑब्वियसली नॉन ब्रांडेड होती हैं, बट काफ़ी अफोर्डेबल चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। और हमारा जो भी भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है वो हम यहीं से लेकर के आते हैं। अलग से यहाँ पर सेक्शंस दिए रहते हैं तो कहीं पर भी आपको भटकना नहीं होता है। एंड ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, एक ग्लास के स्पाइस जार है, तो ये काफ़ी कूल था, ग्लास के आने लग गए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये काफ़ी। बट ऑब्वियसली मैं चेंज कर चुकी हूँ तो मैं नहीं ले सकती हूँ। तो ये देखिए, जैसे आपको हवन सामग्री वगैरह कुछ चाहिए रहती है तो यहाँ पर प्रॉपरली वो लोग लिख के रखते हैं, तो ईजी होता है। चंदन वंदन सब कुछ यहाँ पर है, तो भगवान से रिलेटेड इवन दिए वगैरह सब कुछ, इवन उनके कपड़े भी मिल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मिलती नहीं है, मार्केट में भटकना पड़ता है आपको शॉप्स पे, तो यहाँ पर बहुत इजीली हम लोगों को सब कुछ मिल जाता है। तो हम हमारे घर के जो भगवान का जो भी होता है, रंगोली वगैरह भी रहती है, अदरवाइज़ ऑफ सीज़न आप कहीं रंगोली देखने जाते हो तो वो आपको मिलता नहीं है, तो ये वहाँ पर मिलता है। इसका नाम डी मॉल है, आई थिंक ये काफ़ी सारी जगह होगा क्योंकि एक मॉल टाइप का ही है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये लोकल मॉल है या कोई ब्रांड है। तो ऐसा आई गॉट फ्यू थिंग्स फॉर यू नो पूजा वाला जो सामान होता है, शॉपिंग हॉल ऑफ पूजा भगवान के लिए हम लोग लेकर के आए दो तीन चीज़ें। तो एक तो मैं ये लेकर के आई हूँ, कपड़ा लेकर के आए हैं नीचे बिछाने वाला, वो एक्चुअली गंदा हो गया है वो। उसके बाद भगवान के कपड़े लेकर के आए हैं और कंडे लेकर के आए हैं। कंडे एक्चुअली हम लोग महीने में एक बार जलाते हैं, तो हमारा जो कंडा है वो ख़त्म हो गया है। और एक दो और छोटी मोटी चीज़ें, जो पीछे का मार्केट है वहाँ पर काफ़ी अफोर्डेबल ये सब चीज़ें मिलती है, मतलब इट्स लाइक अ टिपिकल मार्केट, तो वहाँ से हम लोग लेकर के आए हैं। हे गाइस, आई जस्ट फिनिश्ड फिल्मिंग शॉपिंग हॉल। आई डोंट नो वो शॉपिंग हॉल इस वीडियो से पहले जाएगा या इस वीडियो के बाद में जाएगा, बट कभी तो जाएगा। और अभी किचन में चल रही है कुकिंग। कौन सा कुकिंग होती है? ये है विक्की की रिंग लाइट और ये है वो जो रिंग लाइट आई है, तो नो डाउट ये रिंग लाइट ज़्यादा बेटर है। एक्चुअली इसमें क्रिएटिविटी है, DIY है, मेहनत है, टाइम है, तो ये तो बेस्ट है ही। देखिए ये लाइट्स पड़ी मुझे 120 रुपए की। ये मैं दुकान वाले से मान के ले आया था। इसमें सब कुछ कनेक्शन, टेप और सब चीजें सब हमने घर पे किया था। हाँ, 100 रुपए, 200 रुपए का, 300, हाँ 300 मान लो, 100 और एक्स्ट्रा ले लो। हाँ, 100 आपकी मेहनत के लिए, चलो 100 रुपए का स्टैंड बन गया, तो टोटल मिला के 300 रुपए की बन गई। ये 1500 रुपए की आती है, 3000, ये 3000 की आती है, ये 300 रुपए की चीज है। विक्की को बहुत दुख हो रहा है कि उसकी रिंग लाइट अब मैं यूज नहीं कर पाऊंगी और ये रिंग लाइट। So right now what I'm doing is, इसकी जो ये वाली प्लाई है मैं ये निकाल रही हूँ और उसके लिए आई एम यूजिंग दिस। ये हम लोग मिनीसो से लेकर के आए थे, स्क्रूज का सेट है, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के वो आते हैं एंड आपको बस इसमें फिट करना होता है एंड यू कैन डू दिस। मुझे ये सब काम करने में बहुत मज़ा आता है।
जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ में 2 मिनट के लिए कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी बार मीशो के बारे में वीडियो बनाए हुए हैं और मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आता है, मैं जो कि स्क्रीनशॉट्स शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ में। तो जो लोग नए हैं और जिनको नहीं पता है कि व्हाट इज़ मीशो, मीशो इज़ बेसिकली इंडियाज लार्जेस्ट रीसेलिंग ऐप। अगर आप घर बैठ के काम करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने मोबाइल में मीशो का जो ऐप है वो डाउनलोड करना है, रजिस्टर्ड करना है। मैं नीचे लिंक दे दूंगी, तो आप इसके थ्रू रजिस्टर्ड कर सकते हैं एंड साथ में आपको रीसेलिंग स्टार्ट कर देना है। आपको कोई प्रोडक्ट्स परचेस नहीं करने हैं, सिर्फ उस ऐप में काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी दिए हुए हैं। आपको सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ FB, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का पेज बना के आप किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं और इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डायरेक्टली आपको मिलेगा। तो इट्स अ वेरी गुड यू नो सोर्स ऑफ अर्निंग, आप काफ़ी अच्छे से इससे अर्निंग कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरी काफ़ी सारी सब्सक्राइबर्स इससे अर्निंग करके काफ़ी खुश हैं, बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पेज बनाया हुआ है और वो मुझसे शेयर भी करती हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी विद दिस मीशो। तो पूरा आपका इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट लगना है, इट्स लाइक अ जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस जो कि आप घर बैठ के कर सकते हैं। होम डिलीवरी ऑप्शंस अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल है, उसके बाद एक्सचेंज ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो आपको किसी भी चीज़ की हेडेक लेने की जरूरत नहीं है और इसकी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज रियली रियली गुड। तो इसकी सारी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अभी एक DIY चल रहा है तो आप लोगों ने ये देखी होगी जो ये शेल्फ्स थी, तो इस शेल्फ्स को हम लोग ये वाइट शीट उसके ऊपर लगा रहे हैं एंड लेट्स सी फिर हम क्या करते हैं, दिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है गाइस, वन मोर थिंग, मैंने वीडियो बीच में से ब्रेक किया ये बताने के लिए आप लोगों को कि जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं फेस टू फेस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, XYZ, आप चाहे तो इंटीरियर से रिलेटेड बात कर सकते हैं, मेकअप से रिलेटेड बात कर सकते हैं, स्किन केयर, हेयर केयर, whatever XYZ, YouTube से रिलेटेड आप कुछ बात करना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली टॉक टू मी फेस टू फेस। मैं नीचे लिंक दे दूंगी, इस लिंक को, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और मेरे साथ आप सेशन बुक कर सकते हैं। इसका नाम है बोलो ऐप। तो आप मेरे से सेशन बुक करेंगे और मैं आपके साथ फेस टू फेस आपसे बात कर पाऊंगी और वो मोस्ट प्रोबेबली मैं अभी थोड़ी देर में ख़त्म करने वाली हूँ। ख़त्म करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोग होंगे मेरी तरह जो इस तरह के छोटे बैग्स लेना पसंद करते होंगे, स्लिंग बैग लेना पसंद करते होंगे, तो इसके अंदर बहुत कम चीज़ें आ पाती हैं, जैसे कि पानी की बॉटल आती नहीं है क्योंकि मैं अगर आसपास जाती हूँ तो मैं पानी, मुझे ज़रूरत लगती भी नहीं है और ना ही मैं खरीदती हूँ पानी की बॉटल, क्योंकि मैं हार्डली 3-4 घंटे के अंदर अंदर आ जाती हूँ और अगर नहीं जाती हूँ तो रेस्टोरेंट में वो लोग बिस्लरी हम लोग नहीं लेते, हम नॉर्मल वाटर लेते हैं तो वो ग्लासेस में देते हैं। दूसरा, इसके अंदर मोबाइल मेरा ईजिली आ जाता है, मैं जो वॉलेट यूज़ करती हूँ वो भी मैं इस तरह का छोटा वॉलेट यूज़ करती हूँ और इसके अंदर मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो रखती हूँ ये, तो दिस इज़ अ बैग जो कि पॉली बैग है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये इतना बड़ा पॉली बैग है, मैं पहले नहीं रखती थी बट अब मैं रखने लगी हूँ, ऐसे इस तरह से है और इसको फोल्ड हो जाता है ये पूरी तरह से एंड दिस इज़ वाटरप्रूफ बैग। ये फोल्ड हो गया और अब ये इसके अंदर रख, इसका जो केस है ये इसके अंदर आराम से फिट हो जाता है। तो आई नो हम लोग सब स्लिंग बैग्स कैरी करते हैं तो उसके अंदर रखना ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसके अंदर ऐसा एक हुक भी दिया हुआ है जिसको आप अपने बैग के इस तरह साइड में हैंग कर सकते हैं, साइड में हैंग कर सकते हैं अगर आपके बैग में जगह नहीं है तो, और या तो आप इसको बैग में रख सकते हैं। तो मैं जनरली अपने बैग में रखती हूँ क्योंकि बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट है तो आराम से मेरे बैग में आ जाता है। और ये ख़रीदा था एक स्टेशनरी स्टोर से, बहुत सारी स्टेशनरी स्टोर्स पे इस तरह के मिलते हैं बैग्स, डीमार्ट में भी मैंने देखे हैं और अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं नीचे अमेज़न की लिंक, अगर मैं देखूँगी मिलेगा तो मैं ज़रूर अमेज़न की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी। तो आप अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं और आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और कल हम स्टार्ट करेंगे नया व्लॉग और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।